अस्सलाम वालेकुम ऑल, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूईटी लाहौर का एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट और उसके सब कैंपसेस का। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट जो भी हो, जितना भी हो, एटलीस्ट उसमें लास्ट ईयर के हिसाब से जो देखा गया है और इवन अभी उसका इफेक्ट थोड़ा सा आने वाला है, इस साल भी इफेक्ट आएगा। अब जैसे टेस्ला में देखें कि लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर वालों को तो पूरे पूरे मार्क्स मिले थे, तो इस वजह से टेस्ला का मेरिट थोड़ा हाई ही एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि 1% तक का आप मार्जिन रख लें, यानी कि जो लिस्ट मैं शेयर करूँगा उसमें 1% ऊपर नीचे हो सकता है। उस चीज़ को माइंड में रखें, अपने एग्रीगेट की बेस पर ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करें। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्रीगेट 73 है, तो जो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट में फील्ड्स शो की होंगी 74 वाली, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं। अब आता है नहीं आता वो बाद का मसला है, लेकिन आप उसे कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। और 1% आई थिंक काफ़ी है, अगर कोई एक्सेप्शनली कुछ हो जाए तो फिर ज़्यादा गिर सकता है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इस लिस्ट से 1% के अलावा ऊपर नीचे हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड। ओवरऑल एवरेज हमने ये पहले बात कर ली थी, टेस्ला के केस में हम ग्रुप्स की भी बात कर चुके थे। तो हम आते हैं डायरेक्ट अपने मेन कैंपस की तरफ, यूईटी लाहौर। तो यूईटी लाहौर में जो लास्ट ईयर था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग मेरिट जो था वो था 81.6 और क्लोजिंग था 81.138, यानी ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो 0.5 का ड्रॉप देखने को मिला था। तो इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर, हो सकता है कि 81.5 से ही ओपनिंग हो जाए इस साल भी मेरिट लिस्ट की, लेकिन आई थिंक क्लोजिंग तक 79 की रेंज में चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 79.5 तक चला जाएगा। तो ओवरऑल तौर पे देखा जाए मेरिट तो डिक्रीज होगा एज़ पर एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मैंने जैसे 1% का एरर बताया हुआ है तो उस हिसाब से 80.5 पे भी जा सकता है। ठीक है ना, वो चीज़ माइंड में रखिएगा। लेकिन ये मैं हमेशा थोड़ा लीस्ट कंसिडर कर रहा होता हूँ ताकि प्रेफरेंस सेट करने में मसला ना हो, उससे इससे ना प्रेफरेंस सेट करने में ज़्यादा आसानी होती है। अब 79 वाला अगर चाहेगा तो वो रख ज़रूर सकेगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। अब आ गया ना आया तो वो अलग बात है, लेकिन एक मार्जिन मिल जाता है आप लोगों को। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में लास्ट ईयर जो फॉल देखने को मिला था 0.9 का था अप्रॉक्सीमेटली, तो इस साल मेरे ख्याल में 1% तक का फॉल होगा और 79.8 से लेकर 78.8 तक चला जाएगा। ओवरऑल तौर पे मेरिट देखा जाए तो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि लास्ट ईयर 80 पे ओपनिंग हुई थी, तो आई थिंक इस साल 79 पे ओपनिंग हो सकती है। उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 79.5 से 78.5 की रेंज में रहने की उम्मीद है। मैकेट्रॉनिक्स ऑफ एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग करें तो 78.5 से लेकर 77 की रेंज में रहने की गुंजाइश है। 77 मैंने थोड़ा ज़्यादा ही नीचे कर दिया, वैसे 77.5 रखना चाहिए था, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि जैसे हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन हैपन। ओवरऑल तौर पे मेरिट डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 79.5 से लेकर 78.3 की रेंज में रह सकता है, ओवरऑल तौर पे डिक्रीज़ होगा। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 78.5 से लेकर 77.3 की रेंज में रह सकता है, तो ओवरऑल तौर पे डिक्रीज़ होगा। इवन 76 तक भी जा सकता है केमिकल, आई एम एक्सपेक्टिंग 76.9 समथिंग, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो 78.5 फर्स्ट मेरिट लिस्ट और लास्ट तक शायद 77 चला जाए। अब मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ, इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं तो इसका मेरिट आम तौर पे ना हाई ही हो रहा है, यानी कि क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। आमतौर पे मैंने ऐसे भी देखा है कि फर्स्ट या सेकंड लिस्ट के बाद आर्किटेक्चरल में पूरी वैकेंसी कम हो जाती है, मतलब कि कोई सीट खाली वैकेंट रहती ही नहीं है। तो इस वजह से मैं इसका थोड़ा हाई रख रहा हूँ, होने को हो सकता है 75 में भी आ जाए, लेकिन 77 मैंने बाकी सारे फैक्टर्स को देखते हुए रखा है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो है इस साल उम्मीद है 76 पे ओपनिंग करके 73 तक शायद क्लोज़ हो जाए या 74 की रेंज में भी गिर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 78.8 और 76.8 की रेंज में ही उम्मीद है कहीं पे मिलेगा हम इस साल भी, ओवरऑल तौर पर डिक्रीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के केस में भी यही कुछ होगा, 76.5 से 74.5 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल तौर पर डिक्रीज़ होगा। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तो 73 से लेकर 69.5 की रेंज में इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अ लिटिल बिट हायर दैन द प्रीवियस वन, बट स्टिल डिक्रीज़ तो है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखी जाए तो 74-70 की रेंज में रहेगा, ओपनिंग 74 तक हो सकती है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो 75 भी हो सकती है, अदरवाइज 74-70 की रेंज में ही रहेगा।
उसके बाद बात करते हैं सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की, तो 76.5 से लेकर 74 की रेंज में रहेगा, लिटिल बिट हायर। ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो ये इंडस्ट्रियल से आमतौर पे नीचे ही होती थी, लेकिन ट्रेंड्स जैसे चेंज हो रहे हैं तो उस वजह से इससे थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। पॉलीमर इंजीनियरिंग की बात करें तो 72 से लेकर 67 की रेंज में रह सकता है, ओवरऑल तौर पर डिक्रीज होगा। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात कर लें तो 72.3 से लेकर 66.5 की रेंज में रह सकता है, डिक्रीज ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना मार्जिन देना भी के लिए काफ़ी है। उसके बाद बात कर लें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की, तो 76 से लेकर 73.5 की रेंज में रह सकता है, ओवरऑल तौर पे शायद इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिले, अदरवाइज सेम ही रहेगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा डिक्रीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं इससे। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें 67.5 इस रेंज में रह सकता है। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करें तो 74 से लेकर 68 की रेंज में रह सकता है। पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की बात करें तो 78 से लेकर 76.7 की रेंज में ही उम्मीद है कि लाइक करेगा ओवरऑल तौर पे भी। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पिछले कुछ सालों से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, पहले नीचे थी। इवन ये मोस्ट रिसेंट इंट्रोड्यूस्ड इंजीनियरिंग फील्ड है इन UET, और आहिस्ता आहिस्ता इस ये ग्रिप अच्छी बना रही है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे इसकी एजुकेशन का कोई खास आइडिया नहीं है, मैंने जब से ये इंजीनियरिंग की फील्ड आई मैं यूनिवर्सिटी का विजिट ही नहीं किया हुआ, तो मुझे कोई खास अंदाज़ा नहीं है। ये मुझे पता है कि मैकेनिकल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिलेट बहुत करती है, तो इस आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि ये अगले 2-4 सालों में शायद टॉप 5 में भी नज़र आ जाए, जैसे इसका मेरिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो इस साल के लिए कह सकते हैं 76.8 से लेकर 73.5 की रेंज में शायद आ जाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के SK कैंपस की मैं बात करें तो 76.5 से लेकर 74 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 75.5 से लेकर 72 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 76.5 से लेकर 73.5 की रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 74.2 से 70.2 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो 79.2 से 76.5, मैंने इसे हाई थोड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लाहौर विसिनिटी में सिर्फ ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जो ऑफर कर रहे हैं। टेक्सला में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नारोवाल, इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर या फिर गुजरांवाला, इन किसी भी कैंपस में नहीं, सिर्फ KSK में है। तो इसलिए इसका मेरिट थोड़ा हाई होना एक्सपेक्टेड है क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और एक ही इंस्टीट्यूट में है, या तो फिर आपको टेक्सला जाना पड़ेगा, तो इसका मेरिट हाई हो सकता है। उसके बाद कर लेते हैं नारोवाल कैंपस की बात, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 70.5 से 63 की रेंज में आ सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 70 ही से 60 की रेंज में, इसी रेंज में रहेगी, लिटिल बिट हायर हो सकता है 60 से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होगा 60-61, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो सकता है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 72 से 66.5 की रेंज में रह सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 73.5 से 67.5 की रेंज में रह सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं फैसलाबाद कैंपस की, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है 70 से 59.5 की रेंज में रह सकते हैं। रिसेंटली कुछ इंप्रूव हुई थी ये फील्ड, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाना शुरू हो गई है। आमतौर पर इसका मेरिट ओवरऑल तौर पर सबसे कम होता है, सबसे कम, लेकिन लास्ट ईयर ये वाला एजाज़ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने ले लिया था वैसे इससे फैसलाबाद कैंपस में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 72.5 से 63 की रेंज में रह सकती है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 72 से 65.5 की रेंज में रह सकती है। मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो 70 से 56, यानी इस साल भी अगर वैसे ही फॉल देखने को मिले जैसे लास्ट ईयर मिला, जो कि तकरीबन 12% तक का था, तो इस साल भी मैं 13% का एस्टिमेट लगा रहा हूँ। उसके बाद है रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि गुजरांवाला कैंपस जिसे कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे 73 से 66.5 की रेंज में रह सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 69.5 से 60.5 की रेंज में रह सकती है, लिटिल बिट इंक्रीज़ होने की उम्मीद है, शायद इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 71.2 से 67.2 की रेंज में रह सकती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 69.5 से 56 के दरमियान में रह सकते हैं, जो कि लिटिल बिट इंक्रीज़ होगा। अब देखें, बल्कि लास्ट ईयर मैकेट्रॉनिक्स से भी कोई फील्ड अगर गई है तो वो रचना में थी, गुजरांवाला कैंपस में थी, 53 पॉइंट, इस कदर ड्रॉप, मैसिव ड्रॉप है। एक टाइम था इसका अच्छा खासा मेरिट होता था, लेकिन अब पता नहीं चीज़ें कैसे और क्यों ऐसे हो रही हैं, गड़बड़ें, जिसकी वजह से इतना फॉल देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज़ में भी साथ यहाँ पे बता दूँ, इस साल मेरिट लाहौर के मेरिट पे इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है, ठीक है। टेक्सला का इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्सला इम्पैक्ट इस साल बहुत अच्छे से असरअंदाज करेगा ही करेगा, और करेगा 100% श्योरिटी है मुझे करेगा। क्यों करेगा? जैसे देखें, टेक्सला ने अपने एडमिशन्स ओपन किए हैं जल्दी, अब बच्चों के पास लास्ट
पहले सालों में तो ऐसा होता था, चॉइस होती थी, इधर लाहौर के एडमिशन चल रहे होते थे, इधर टेक्सला के चल रहे होते थे, जहाँ पे देखते थे अच्छी फील्ड मिली है वहाँ पे चले जाते थे। अब कुछ बच्चे ये करेंगे कि टेक्सला में पहले ही प्रेफर कर देंगे, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे लाहौर के केस में। अगर ऐसा होता है तो यूईटी लाहौर का मेरिट और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, जो मैंने बताया हुआ इससे भी शायद ज़्यादा ड्रॉप हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, बच्चे रिस्क नहीं लेते और कहते हैं कि नहीं जी हम, बल्कि रिस्क लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम टेक्सला में नहीं, हमने जाना लाहौर में है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए हम कोशिश वहीं पर करना चाहेंगे, तो उस केस में लाहौर का मेरिट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और टेक्सला का और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जो मैंने शेयर किया उससे ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये फैक्टर इस साल बड़ा अच्छे से असरअंदाज होने वाला है। ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो टेक्सला का मेरिट इस साल बढ़ना एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह यह है कि एक तो फर्स्ट ईयर मार्क्स कंसिडर हो रहे हैं, दूसरा जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो भी कंसीडर हो रहे हैं। अब पिछले साल फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी पूरे पूरे मार्क्स मिले हैं, 520 वाले से 520 मार्क्स आए हुए हैं, तो उसकी वजह से वो असरअंदाज होगा, वो इम्पैक्ट वहाँ पे लिस्टों में नज़र आएगा। बाकी देखते हैं चीज़ें कैसे बदलती हैं। इस साल हर चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, या तो बहुत ही ऊपर चली जाएगी या बहुत ही नीचे आ जाएगी। बाकी ये चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, लेकिन आप लोगों को मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट इसलिए शेयर कर दी है कि आप लोगों को प्रेफरेंसेस अपनी सेट करने में आसानी हो। लाहौर के एडमिशन्स मैं फिर से बता दूं, मैं बार बार बता चुका हूं, फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं, लाहौर के एडमिशन सितंबर के फर्स्ट वीक में ओपन होंगे, सितंबर के सेकंड वीक में इंशाल्लाह एज पर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट सेकंड ईयर का आ जाएगा। और आपके पास ऑलमोस्ट, अभी मैं 100% श्योरिटी नहीं तो ये बता सकता हूँ कि 17, 18 या 19 सितंबर जो है आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिशन की। तो तब तक आपके पास टाइम है, अच्छा खासा इंजॉय करें, घूमें फिरें, नाचें गाएँ, जो दिल करता है करें, और इस वक्त इस टेंशन से निकल जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फीडबैक भी दिया करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और चैनल सब्सक्राइब यार लाजमी कर लिया करो। मोर देन 60% लोग बगैर चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है। आप लोग फिर एफर्ट का सिला ही ना दो, तो फ़ायदा कोई नहीं है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।